बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लव जिहाद मामले पर महापंचायत जो होने वाली थी वो टली है। प्रशासन ने हिंदू जागरण मंच से 10 दिन का वक्त मांगा है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये 10 दिन का वक्त मांगा गया है। 10 दिन के अंदर लड़की बरामद कर कार्रवाई करने का आश्वासन हिंदू जागरण मंच को दिया गया है। कल बड़ागांव में महापंचायत होनी थी। एएसपी मनीष मिश्रा ने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद ये महापंचायत टाली गई है। तो प्रशासन ने हिंदू जागरण मंच से जवाब 10 दिन का वक्त मांगा है। 10 दिनों के भीतर पुलिस का कहना है कि लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी, आगे की कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी, उसके पहले महापंचायत जो है वो ना बिठाई जाए। एएसपी मनीष मिश्रा ने बातचीत की है जिसके बाद महापंचायत जो कि कल होने वाली थी उसे टाल दिया गया है। तो अब 10 दिन का वक्त है पुलिस के पास। इस पूरे मामले में न सिर्फ पुलिस को लड़की को बरामद करना है बल्कि क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से आगे की जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खुद एएसपी मनीष मिश्रा ने बातचीत की है और पंचायत आश्वासन के बाद टाली गई है। विश्वजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, एएसपी ने बातचीत की है, आश्वासन दिया है, जिसके बाद महापंचायत जो बैठने वाली थी उसे टाला गया है। आश्वासन से क्या संतुष्ट नजर आए हिंदू जागरण मंच के लोग हो या वहां मौजूद जो लोग हो? देखिए, जो लड़की के जो परिजन हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे जो है विश्वजीत आप तक आवाज पहुंच रही है, 3 घंटा एएसपी ने बात की है। जी विश्वजीत जी, एएसपी ने बात की है और एएसपी ने उनको आश्वासन दिया है कि जो आप अपनी महापंचायत करने जा रहे हैं इसको टाल दीजिए और हमें 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन में हम जो है लड़की को बरामद कर लेंगे। फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इस आश्वासन से संतुष्ट नजर आए हैं और उन्होंने एक बार फिर जो है प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन तक अगर आप लड़की बरामद नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर वो अपनी इस पंचायत को करने पर मजबूर होंगे। जी, 10 दिनों का वक्त मिला है, पहले कार्रवाई हुई नहीं, अब पुलिस कह रही है कि 10 दिनों के अंदर लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, अगर बात की जाए सुराग की तो पुलिस जो है जो आरोपी है उसके जो रिश्तेदार हैं जो परिजन हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इसके साथ में कल भी एएसपी ने बताया था कि इस पूरे प्रकरण में 2 टीमें गठित की गई हैं, जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने कल ही ये चेतावनी दी थी और सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल कर दिया था कि आगामी 7 तारीख यानी कल वो महापंचायत करेंगे और इसी के चलते आज एएसपी ने हिंदू संगठन के लोगों से लंबी मीटिंग की है और मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हिंदू संगठन के लोगों ने जो है फिर पुलिस प्रशासन को इस पूरे प्रकरण में 10 दिन का समय दिया है।